कुछ दिन कुछ सालों पहले तक आगरा में पानी का ऐसा अभाव था कि आगरा एक पलायन वादी शहर बनता जा रहा। यमुना से 100 क्यूसेक पानी मैक्सिमम जल संस्थान काम आता था और आगरे की डिमांड पब्लिक के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से 400 एमएलडी पर डे, वो 100 एमएलडी उठा पाता था। उसका स्थायी निदान जरूरी था। एक गंगा जल प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था 2012 में पुनर्जीवित किया गया और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के लिए इतिहास की वो तारीख बना जिस दिन मेरे नेता मोदी जी ने माननीय योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई और 100 क्यूसेक पानी जिस शहर को उपलब्ध होता था जल संस्थान के लिए उस शहर में 350 एमएलडी अब 350 एमएलडी यानी मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिलने लगा। उसका वितरण कैसे हो, क्योंकि 2018 में हमें महसूस हो गया था कि गंगा जल आ जाए, 2015 में 2018 तक गंगा जल आ जाए, तो 2015 में उसके वितरण की व्यवस्था हो, ये इस दृष्टि से एक पीएफआर बनवाई और फिर उस पर डीपीआर बनी जो 183 करोड़ की डीपीआर थी जिसमें आगरा दक्षिण विधानसभा और आगरा उत्तर विधानसभा के उन क्षेत्रों में जहाँ जल संस्थान की यानी जल कर विभाग की पेयजल वितरण का प्रबंध तंत्र ही नहीं था वहाँ प्रबंध तंत्र खड़ा हो जिसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन से अब घर घर तक जो डाली जाने राइजिंग लाइन थी वो सब मिला के 180 किलोमीटर लाइन पड़नी थी। वो काम शुरू हुआ, कोरोना काल में थोड़ी उसमें गति में कमी आई लेकिन इस जून तक वो काम पूरा हो जाएगा, लगभग काम पूर्णता की ओर है। लेकिन फिर भी आगरा छावनी का एक बहुत बड़ा पार्ट रह गया था जहाँ पर जल वितरण नहीं हो पा रहा था। अब जल तो उपलब्ध, पेयजल तो उपलब्ध था पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि 350 एमएलडी गंगा जल और 100 एमएलडी यमुना का, तो 450 एमएलडी उपलब्ध है पेयजल के रूप में हमारे पास पानी, लेकिन वितरण की व्यवस्था भी उसके लिए जरूरी थी। तो यहाँ छावनी के बुंदू कटरा जोन जिसमें तोपालपुरा, नंदपुरा, टंडपुरा, बुंदू कटरा, मधुनगर ये एक बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सके गंगा जल, तो माननीय योगी जी ने अमृत योजना से, अमृत योजना 2 से 265 करोड़ के लगभग एक योजना दी है आगरा के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर और आगरा की जनता को ध्यान रखते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पानी पहुंचे, क्योंकि तो पानी थाकपति से खरबपति तक चाहिए होता है, वो आवश्यकता पूर्ति के लिए 265 करोड़ की एक योजना अभी दी है माननीय योगी ने। पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है और जिस दिन इसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा टेंडर के बाद उसके 2 साल के अंदर ये योजना पूरी की जाएगी जिसमें फीडरमैन, भूमिगत जलाशय, राइजिंग मैन, वितरण प्रणाली, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग सेट्स, स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, पैनल रूम, क्लोरिनेशन रूम, स्काडा सिस्टम कार से पूरे किए जाएंगे। यह है, ये आपके द्वारा हम चाहते थे कि जनता तक ये कार्य पहुँचे, क्योंकि हमारी सरकार जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है दोनों का अंश इसमें शामिल है, केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है, इन दोनों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगरे को मिला है, मौका मिला है और जो गंगा जल आगरे में आ रहा है उसका वितरण घर घर पहुंच सके, घर घर गंगा जल, जो गंगा आगरा के लोग गंगा के हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ से लेकर आके पूजा में रखते थे आज नल की टोटी बोलते हुए गंगा जल निकलता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की और योगी जी के और मोदी जी की आगरा के लिए तोहफा है। हम इसके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मंत्री जी, अगर बात की जाए, आपने कहा हर घर में गंगा जल पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा? 2024 तक, 25 तक, 26 तक, क्योंकि आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि चार चार दिन पेयजल की समस्या है। देखिए, ऐसा है, मैंने बताया आपको पहले जल संस्थान की जो व्यवस्था पुरानी थी
उसी से गंगा जल जाएगा। कई गफलत है कुछ लोगों में कि गंगा जल की शायद कोई अलग लाइफ। लगभग 144 मिलियन लीटर पर डे तो सप्लाई हो रहा है सिकंदराबाद और रॉक से, जिसमें यमुना का पानी भी शामिल है दोनों मिलाकर। और बाकी जल संस्थान जो अपना जीवी मंडी में है वहाँ से शेष आगरा के लिए सप्लाई हो रहा है। मोटा मोटा यदि करें तो एमजी रोड को हम लाइन मान लें तो एमजी रोड पे यदि यहाँ से कलेक्टिव की ओर चलेंगे तो लेफ्ट साइड को तो सिकंदरा वाटरवर्क सप्लाई दे रहा है और राइट साइड को जल जाकर वाटरवर्क दे रहा है जीवी मंडी वाला। और बीच में जो सब स्टेशन बने हैं, जो ओवरहेड टैंक बने हैं, पंपिंग स्टेशन बने हैं, वहाँ को फीड करता है ये और फिर वहाँ से सप्लाई होता है। तो जहाँ नहीं था, मैंने यही तो कहा, एक आश्चर्य की बात थी कि आज़ादी के 70 साल बाद भी कुछ बड़े क्षेत्र ऐसे अछूते थे जहाँ जल संस्थान की सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं थी। वहाँ के लोग अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर रहते थे, अंडरग्राउंड वाटर खारा हुआ कैसा हुआ लोग पानी खरीदते थे। आज आगरा में पानी खरीदने वाले लोग कम हो गए, बहुत कम, शौकिया खरीदते तो खरीदते, अदरवाइज पानी लोगों के घर में आ रहा है, गंगा जल पहुँच रहा है। जहाँ मैंने बताया कि जो 185 करोड़ योजना है दो योजना मिलकर क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण वाला, ये जून तक पूरी हो जाएगी। हालांकि काफ़ी जगह सप्लाई हो गई है, जून तक पूर्णता को प्राप्त कर लेगी और इस क्षेत्र में घर घर गंगा जल पहुँच जाएगा। अब छावनी का जो अछूता क्षेत्र रह गया उसके लिए योजना अछूता है रहा है, लेकिन आप लोगों ने पानी डाल लिया है लेकिन पानी नहीं पहुंचा। आज पानी की स्थिति और पुराने पानी की स्थिति के, मैं ईदगाह में ही रहता हूँ, मेरे को पंप मोटर लगानी पड़ती थी पानी अपने ऊपर, आज तो मुझे बंद करना पड़ता है और कब रात के 4 बजे पानी भर गया तो आवाज़ आती है तो बंद करना पड़ता है। यानी इतनी ऊंचाई पर इतना प्रेशर भी है और पर्याप्त है, दिन में 2 बार बंद करना पड़ता है। सर सरकार ने इतना पानी दिया, अब जहाँ तक लीकेज की समस्या है, लीकेज के लिए जल संस्थान हिदायत दी जाती है कि इसको ठीक करो और पूरी अगर आगरा की पाइपलाइन बदलनी है तो 1000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमने सोचा था 1000 करोड़ की जरूरत के अलावा जब पूरा शहर खुद जाएगा तो एक नई समस्या पैदा होगी, तो इसको टुकड़ों में कैसे किया जाए इस पर विचार चल रहा है। सर एक समस्या यह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट था, 143 करोड़ का, 160 करोड़ तक पहुंच गया। आज भी ताजन से कई सारे वार्डों में वो मीटर नहीं लगे हैं और पानी का प्रॉपर टैपिंग नहीं है तो पानी फैलता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें ही एक बार सर उसको अगर समीक्षा कर ली जाए तो कई कमियाँ हैं। अभी 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि उस लाइन में उन्होंने पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन डाल दी, तो ये सारी चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है सर। इसमें ये भी आपका एरिया लगता है जो आपका पुरानी मंडी पीपल मंडी वाला, ये सारी चीज़ों को भी स्मार्ट सिटी में जो योजना बनी है इसी गंगा जल सप्लाई की, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। जहाँ पर कमी या खामियाँ होंगी जल संस्थान ठीक करेगा, जल जल विभाग ठीक करेगा, जल जल निगम तो कर ही रहा है काम। अभी लगभग 100 बेड की पानी यमुना में पहाड़ क्योंकि हमारे पास एक्सिस वाटर है मंत्री छत्रपति शिवाजी में जी आपकी प्राथमिकता में है, मुख्यमंत्री नाम नहीं मिल रहा, 3 साल होने आ गए उसका फंड नहीं मिला है, बिल्कुल भी तो आगे होता है प्रोजेक्ट रुका हुआ उसका क्या कहना है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम मेरी प्राथमिकता में क्या है मैं बता दूँ, लेकिन वो भी है, हम लोग ने आगरा के जनप्रतिनिधि उसको भी दे देंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता है वो स्मारक बनना जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज कैद थे। लेकिन उसको भी ध्यान दिया थोड़े दिनों पहले, बल्कि परसों ही मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो म्यूजियम है उसका डेवलपमेंट रुक जाए, उसको पूरा करें, तो उसकी योजना बन रही है कि क्या इसको सरकार चलाएगी
या इसको कोई प्राइवेट संस्था पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा, क्योंकि बंद तो जाएगा, उसको सतत चलाए रखना एक प्रश्न खड़ा होगा, तो उसकी व्यवस्था भी सोची जा रही है, देखिए उसको करेंगे। मंत्री जी, आप उच्च शिक्षा विभाग से समय रखते हैं, आगरा विश्वविद्यालय पुराना नामी विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी भी सुधर नहीं रहा है, तो आपको ये लगता है आगरा विश्वविद्यालय के अलावा एक और विश्वविद्यालय आगरा में होना चाहिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए? देखिए ऐसा है, अगर आप पुराने आधा गिलास खाली है आधा भरा हुआ है, गिलास खाली था आधा भर गया, नजरिए दो है, कोई कहता है आधा भर गया और कोई कहता है आधा खाली है, खाली है, खाली है, क्या हुआ है, तो नज़रिया एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इस एजुकेशन का परसेप्शन पिछली सरकारों ने इतना गिरा दिया था, उत्तर प्रदेश का पूरी शिक्षा विभाग को समझा जाता कूड़ा है। आज कम से कम उस उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग इतना आगे हो गया, जो 9वें नंबर पर था जो विभाग आज दूसरे नंबर पर है एक साल के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले ए प्लस छोड़िए बी प्लस श्रेणी का भी कोई नेट में रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं, आज चार विश्वविद्यालय तो ए डबल प्लस के हैं और पांच उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि कभी भी ए डबल प्लस मिल सकती है, नेक्स्ट जब क्या वो होगी इंस्पेक्शन होगा। पांच विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, परसेप्शन देखिए, और आगरा विश्वविद्यालय भी उस रेस में दौड़ रहा है, ए डबल प्लस नहीं ए प्लस नहीं, तो ए तो ग्रेड प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन जो बिल्कुल वाहियात था आज धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, तो उस परसेप्शन को भी देखना करना स्थापित करना चाहिए। अब वो ठीक दुरुस्त भी हो रहे हैं, माननीय योगी जी के राज में शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, और जो 11 नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र मिल चुका है जिसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, और पांच विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय बिल्कुल कभी भी प्राप्त कर सकते हैं वो लेटर। अब आप सोचिए, जब निजी विश्वविद्यालय इतने बढ़ रहे हैं और जब कंपटीशन होगा तो शिक्षा का स्तर सब सुधरेगा जब निजी विश्वविद्यालय आएंगे फील्ड में, और हमारे प्रयास तो ये भी है कि जिन कोर्सों के लिए विदेश जाते हैं, मेरी रशिया में भी बात हुई है, मेरी नीदरलैंड भी बात हुई है, मेरी फ्रांस में भी बात हुई है, बाकी प्रतिनिधि मिले भी हैं, हम भी गए हैं, उन लोगों को इन्वाइट किया करने के प्रयास किया जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जिन कोर्सों के लिए यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और वो लोग अपना वो फैकल्टी यहाँ पढ़ते हैं यहाँ के विश्वविद्यालय, उससे दो लाभ होंगे, जो आर्थिक रूप से वंचित छात्र पर जो जा नहीं पाते थे उनको यही शिक्षा उपलब्ध होगी। दूसरा, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा, शिक्षा का हब बनेगा तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी या रोजगार के अवसर समृद्धि के द्वार खुलेंगे, ये सब होगा रोल बैक कर लिया। आप सर, जब प्रोफेसर का ग्रेड एक आईएएस के ग्रेड से ज्यादा है पे ग्रेड, तो इस चीज को लेकर उनको समयबद्धता क्यों नहीं है? एडहॉक पर सर प्रोफेसर पढ़ा रहे सर, नहीं उसका अनुपालन हो रहा। पिछली मीटिंग हुई अभी, शायद पिछली 13th मार्च को हुई मीटिंग, जिसमें सब वो मौजूद थे, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, हायर एजुकेशन ऑफिसर, सब ने तय कर लिया है कि अब बायोमेट्रिक लगेगा, काम धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन ये निश्चय हो गया है। अब इसका विरोध भी किया कुछ शिक्षक संघों ने, लेकिन विरोध को नजदीक इग्नोर किया जाए। सर, सवाल ये मैंने भी है सर कि अक्सर ये देखा जाता है कि सर कई सारे प्रोफेसर तो पॉलिटिक्स करते हैं और वो खासकर जो वाले जो वित्तीय वाले होते हैं, तो क्या सरकार को इस तरह की पॉलिसी लाएगी या वो पॉलिटिक्स करें या फिर बच्चों को पढ़ा लें, मिक्सअप ना चले जिस तरह का? पॉलिटिक्स करने के लिए रोक लगाना तो संवैधानिक प्रक्रिया में संभव नहीं। समाज के लोग आतंकित करते हुए दिखाई देते, इस पर भी तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं सर कड़ी कार्रवाई? कड़ी कार्रवाई मैंने कहा ना, बदला है, हवा बदली है, वहां पे जाके देखिए, अब यही से अंदाज बदल रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वहाँ जा देखिए अब कितना रुख बदल रहा है, आंदोलन होते हैं, इलाहाबाद देखिए अतीक का
शिक्षा नीति का मूल बिंदु ये है, जिस मतलब न्यूक्लियस होता है शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन बिंदुओं के इर्द गिर्द योजनाएं बनेंगी, कार्यक्रम बनेंगे, बन रहे हैं, ऐसे पाठ्यक्रम लाए जाएंगे जो इन बिंदुओं के को पूरा करते होंगे, इस के इर्द गिर्द होंगे, उस आधार पर शिक्षा नीति है हमारी 2020 और वही पाठ्यक्रम बनेंगे और बन रहे हैं, लागू होंगे। क्योंकि हमें आक्रांता को मेहमान मंडित नहीं करना, इस देश में राणा प्रताप मेहमान मंडित होने चाहिए, शिवाजी महाराज होने चाहिए, समर्थ गुरु रामदास होने चाहिए, यहाँ के लोग वो होने चाहिए। मुगलों से पहले भी कुछ आगरा था और मुगलों के बाद भी आगरा, इसीलिए उस मुगल एम्पोरियम का नाम बदला है। और वाचीन आगरा से प्राचीन आगरा तक तो वो संतुलन करके वहाँ दिखाया जाए, आने वाली कल्चर नस्लों को वो कल्चर देंगे जो हमारे इस देश की मट्टी से जुड़ा हुआ है, इस देश की चिति से जुड़ा हुआ है, इस देश की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यही तो अब तक होता रहा कि इस देश की मट्टी से अलग हटके थे बातें होती है, को मेहमानमंडित किया गया। सर अभी रामचरितमानस उत्तर प्रदेश की शासक के केंद्र बिंदु से लगातार मानस विवाद रहा है, राम भद्राचार्य कह रहे हैं इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, तो क्या बीजेपी इस बाकी का ओन करती है, इसको समर्थन देती है? देखिए महाराज जी ने संत के नाते विचार प्रकट किए, बीजेपी राजनीतिक दृष्टि से देखेगी। अब जहाँ तक रावण का सवाल है, जिन लोगों को रस छंद अलंकार का ज्ञान नहीं है वो उस प्रॉब्लम का तो पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, ये आप सब ने पढ़ा होगा अपने समय में, एक पानी का कितने अर्थ थे, या कनक कनक थे सौगुनी महाराजता अधिकार है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आती है, तीन बेर खाती थी, विजन डुलाती थी और विजन डुलाती है, नगल जड़ाती थी और नगल जड़ाती है, एक एक सेंटेंस के दो दो अर्थ, और बिहारी के तो एक एक धोए के कई कई अर्थ। तो जो ये नहीं जानते कि पानी के तीन अर्थ हो गए तो ताड़न के भी अलग अलग अर्थ है, तो उन लोगों की बातों पर तो बेकार है बात करना, अज्ञानता है या गुमराह कर रहे हैं, अज्ञानता है तो ये राजनीति की अभिशाप है और गुमराह कर रहे हैं तो अभी वो भी अभिशाप है।